तो ये गाड़ी है BSS OB2 है। इसका ना मैंने दोस्तों स्टीयरिंग तो कुछ हद तक नटबोल खोल दिया, पर मैं दिमाग में आया क्यों ना आपको बताऊं तो किस तरह खोला जाता है। ये खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना, सबसे इजी स्टेप मालूम, ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, ये इसको ऐसा पकड़ना है, तीन उंगली से खींच देना सा बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा। इसको फेंक दो दोस्तों पीछे। उसके बाद में ये दिख रहा है, ये इसमें फिक्स है। इसको सिंपली क्या करना है ना, इसको खींचना है अपने पर, ये दिख रहा है आपको, जैसे रखा है जैसा खींचा, ये ताकत से खींचना पड़ेगा कि वो टाइट रहता है, डरना नहीं कि भाई खुलेगा नहीं कैसा, क्योंकि जब तक खुलेगा नहीं पाना बैठेगा नहीं। तो इसको ताकत से लगाना, जैसे यहाँ से उखाड़ लिए और ये साइड ताकत लगाना, इसको यहाँ से उखाड़ लिए, नहीं निकला तो ताकत लगाना, डरना नहीं है। क्या रिक्शा वाला कुछ भी बोले सुनने का नहीं। उसके बाद में ये वाला बोल्ट खोल देने का, जो दोस्तों मैंने पहले देखो ये वाला बोल्ट खोल दिया हूँ, ये खोल देने का। उसके बाद देखो पहले की गाड़ी में ना ये वाली पट्टी के अंदर ना दोस्तों कितने दो बोल्ट आते थे, पर इस गाड़ी में तीन आ गए हैं, तीन बोल्ट आ चुके हैं इसमें, एक दो तीन। वो दोस्तों तीनों मैं इसमें खोल के दोस्तों रख चुका हूँ, ये देख रहा आपको। अब करना क्या है ना, सिंपल इसको तो पकड़ना है, थोड़ा खड़ा होना है, उसको हिलाना और खींचना ताकत से, तो इस तरह दोस्तों ये उखड़ आएगा। ओके, और अभी मैंने मेरा पुलर लाया नहीं, मैं पुलर ला के दिखाता आपको मैं। तो दोस्तों ये पुलर आपको दिख रहा ना मेरे हाथ में, दोस्तों ये क्या काम आता है, आप वीडियो बने रहो, मैं लास्ट तक का दिखाऊंगा आपको, ये पुलर मैंने कैसे लिया, इसको कैसे बनाया और कितने मुझे पड़ा था, और ये पूरी वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक देखते रहो। ओके दोस्तों, पूरी वीडियो को दोस्तों बाद में लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ओके फ्रेंड, दोस्तों आपको दिख रहा मेरे हाथ में ये पुलर है, और ये पुलर दोस्तों ना मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं ट्राई किया दोस्तों, फाइनल लास्ट में पुलर मिला, पर ये पुलर दोस्तों मेरे पास आया था छोटा पुलर था, तब मैंने इसमें क्या करा, एक पाइप को कट करके वेल्डिंग मार के इसको लगाया इसके अंदर, तब जाके इतना बड़ा हुआ। अगर आपको भी पुलर नहीं मिलता है तो बाइक का पुलर सा मंगा सकते हो आप, कुछ 1200 में 800 में आपको आ जाएगा, मेरे को तो ये 1300 मिला पुलर। और थोड़ा खर्चा करना, पाइप वेल्डिंग मार लेना। क्या है आज तक का ना, इसको मैं भी दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से ठोक ठोक के खोलता था, लेकिन अब नहीं ठोकता हूँ, अब सिंपल ये लगाता हूँ, कितना भी हार्ड रहे कुछ भी रहे बहुत प्यार से और इजीली खुलता है। ओके दोस्तों, इसमें ये फायदा अपने को, ये देखिए इस तरह लगा दिया मैंने, और सिंपल इसमें ताकत लगाया, और ये देखिए आपने कितना प्यार से खोला। तो पहले क्या करते हैं अपन, हथौड़ी बहुत मारते हैं इसके अंदर, तो इससे आपका दोस्तों काम काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी प्यार से खोल सकते हो, इसमें ये बेनिफिट है अपने को, अपना टाइम भी बचेगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। ये सिंपल सा एक लॉक खोल दिया मैंने, एक वाशर निकाल दिया, एक ये देखिए अब सिंपल कितना ईजी इसको डालना कौन सेट। असल में खोलने का रीज़न क्या था, कौन सेट जाम हो चुका है आप देखे, और पहले क्या था अपन बहुत ठोकते थे उसको स्क्रूड्राइवर से, तो जो भाई को चाहिए ना वो इस तरह दोस्तों बना सकते हैं अपन पुलर, एक एक प्यार से मस्का खुल रहा है। और ये लगभग 250 में दोस्तों लोकल वाली टॉमी मिल जाएगी, इसीलिए भी आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा पड़ता खोलने के लिए। अब ये निकल चुका है सब कोन, और वाह देखो इसके अंदर वाइसर दोस्तों, हाँ क्या पहले किसी गाड़ी में ऐसा वाइसर था नहीं, पर इसमें आप देखोगे ना काफ़ी सारे वाइसर है, ये देखो मैं पूछ के दिखाता हूँ, ये एक वाइसर दो वाइसर, ओके, और नीचे भी काफ़ी सारे वाइसर है, टोटल इसमें चार वाइसर है, ये देख रहा आपको 1 2 3 4, आज तक किसी गाड़ी में ऐसा वाइसर था नहीं, ये दो वाइसर कुछ इस टाइप में लगे थे और दो वाइसर कुछ इस टाइप में लगे थे, देख रहे आपको ये टाइप में लगे थे, शायद कंपनी इसलिए दी रहेगी था चेकनर लूज ना हो, जो बाबा मसले होते थे। उसके बाद में अब जाके फाइनली कोन निकलेगा, ये देख रहे आपको ये कोन है इसका, अब ये वाला पहले कोन दोस्तों चेक करता हूँ अच्छा या ख़राब है, और किस तरह कोन चेक करते, कोन की पहचान क्या है, वो भी समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे अपन। ये वाला दोस्तों कोन काफ़ी फ्रेश है, इसमें कोई कमी नहीं है, दिख रहा आपको इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम फ्रेश कोन है, और ये गोली भी काफ़ी अच्छी है। ये भाई का पहले कपड़ा फेंकते पीछे, क्योंकि कपड़ा बहुत सस्ता आता है, ये थोड़ा महंगा आता है, तो इसको यहाँ रखते हैं और इस चीज़ को भी यहाँ रखेंगे, और गोली भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो प्यार से गोली को बाहर निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे पैसा बच जाए गाड़ी वाले का, नहीं तो फिर तो डाली देंगे अपन, ये गोली भी अच्छी है। ओके दोस्तों, अब अपना काम है दोस्तों एक स्टीयरिंग को नीचे लेना, और लेने का बहुत तरीका बहुत ईजी है, बॉक्स में तो मिला नहीं है तो दोस्तों इसको रिंग बार से लूज़ कर लेता हूँ मैं, बहुत ईजी है, इसको फंसा दिया इसको मैं इस तरह, तो हल्का सा मैंने ठोक दिया हल्का दोस्तों, देखिए कितने प्यार से ये लूज़ हो गया ये। अब ये लूज़ करने के बाद ये देखिए नट को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, कि नट आ गया बाहर, ये वाइसर भी देखो उसमें लगा है, मानो चिपका चिपके रहें दो, और इसको ऐसा अपन हल्का सा ठोक देंगे खाली सा बस, बहुत ईजीली ये बाहर आ जाएगा। अब जो करना है क्या है, खाली दिख रहा है ये, अपन इसमें घुसा देंगे इसको,
भले गाड़ी वाले कुछ भी बोले सुनने का नहीं उसकी बात, ऐसे लगा देने का, कब तक पकड़े देंगे आपको गाड़ी वाले से? दिखाते हैं भाई गाड़ी वाला, चलो भाई आजा उठाओ गाड़ी। अब सिंपल सा ना इसको उठाना, अपने गाड़ी को नीचे लगाना है। दूसरी जगह भाई ने इसमें लाइट लगाए थे और ये आप देख रहे हो पूरा अंदर कट रहा था। तो इस तरह के दोस्तों वार मत लगाओ, अगर आप ये साइड में लगाओगे शो साइनिंग के लिए तो कई बार ये बॉडी में टच होने से दोस्तों की गाड़ी की वायरिंग चल सकती है और फिर जल्दी को दोस्तों मैकेनिक बनाएंगे भी नहीं, दिख रहा आपको? तो इस चीज़ का ध्यान देना, जल चुका जाना पूरा। हाँ कट के जला नहीं, कट गया शॉर्ट हुआ रहेगा। और सिंपल देखो इसको ये साइड घुमाना है, थोड़ा नीचे स्टीयरिंग आ जाएगी अपने आप। ये देखिए इसका अपन दोस्तों कौन चेक करेंगे भाई, इधर लेके भाई। ये देखिए ये इसकी गोली है। अब ये इसको खोलने का रीजन क्या था, बीच में दोस्तों अटक रही थी। अभी आप बोले कि ऊपर की तो उसकी अच्छी थी, नीचे भी मतलब फोल्ड है क्या इसके अंदर? अब गौर से दिखा था दोस्तों आपको मैं। ये देखिए जिसने बारीक बारीक से लाइन दिखाई दे रही आपको, जो 1 2 3 4 ये इसमें खड्डे हो गए, ये खड्डे तो दोस्तों स्टीयरिंग अटक रही थी। इसमें ये पूरा स्मूथ रहना चाहिए, ऐसी लाइन नहीं आनी चाहिए। तो इसका ऊपर का दोस्तों देखते भी कौन चेक करते, एक तो देख लिया अपन ने, दूसरा चेक करते भाई। उसके बाद में ये दिख रहा आपको, इसको सिंपल पोछना अपने को। अब इसको मैंने साफ कर लेता पहले पोछे कपड़े से अच्छे से। अब ये देखोगे ना एकदम कोन एकदम फ्रेश है कोने वाला, देख रहे हो? अब ये वाला कोन काफी अच्छा है, दिख रहा है इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम चमक रहा है। तो इसको इसमें कोई लाइन नहीं, इसको मैं ऐसी रेंज देंगे। अभी नीचे अपन कोन चेक करेंगे, आ जा भाई इधर, देखा भाई इधर आजा। अब उसके बाद में नीचे वाला तुम चेक करेंगे भाई, ये दिख रहा है इसको पोछेंगे, देखेंगे ना इसके अंदर भी दोस्तों सेम चीज खड्डे आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आपको ये 1 2 3 4 इसमें दोस्तों खड्डे आ चुके हैं। अभी अपन क्या करेंगे, नीचे का दोनों कोन इसका बदली करेंगे और ऊपर का दोस्तों कोन वही रहने देंगे, क्योंकि नीचे का कोन ही बजाज का कुछ 450 का आता है और दूसरे कंपनी का लेंगे ना दोस्तों तो 450 में पूरा सेट आएगा। बट ये भाई बहुत पैसे वाले हैं तो ये बजाज कोन डालेंगे। ये शक्ल दिखा दे भाई की, अच्छा मत दिखा। अभी सिंपल दोस्तों ना नीचे कोन निकाल, अभी सिंपल दोस्तों ना नीचे कोन निकालना है। अब ये पॉइंट अपन फंसाएंगे और ठोकेंगे, ये इसके पूरा अंदर डाले उसको, ये साइड खींच के रखे रहेंगे ये साइड, अगर बीच में नहीं तो फ्री नीचे चले जाएगा। ये साइड खींचे, अब ये फंस गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको? अब ठोकेंगे अपन, यहाँ तो ठोक लूंगा नहीं दोस्तों की डैशबोर्ड खराब हो जाएगा, दिख रहा है इससे टूटने डर है। तो इसको मैं ये साइड करूंगा, पहले की गाड़ी में क्या इजीली पड़ जाता था। अब ये देखिए ऐसे मैंने रखा इसको, ऐसे मैंने मारा भाई की रस्सी टूट गई यार एक फटके में। अभी देखो फिर देखेंगे आप ना क्या, ये अभी भी नहीं निकला दोस्तों, जब ये निकलेगा ना तो अपने को पता चल जाएगा। काफी निकलना मुश्किल लग रहा है पर अपन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए इसको चारों बाजू मारने का ना चांस नहीं मिल पा रहा अपने को। अब दोस्तों नीचे गिर चुका है, चल के दिखाते हैं भी आपको, आपको। कहाँ गिरा भाई? ये देखिए अब ये गिरा है ना, इसका एक वाइसर भी रहेगा, वाइसर कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा वाइसर ये पे चिपक गया भाई, देखो दिखा भाई इसमें, दिखा दोस्तों देखो वाइसर हिल रहा है, देखो ये वाइसर इसमें एक टकाटक वाइसर है, ये लगाना जरूरी है। और ये इसका कौन बाहर आ चुका है, अभी आप सोचोगे ठोक के निकाला, अब लगाना कैसे इसको है, तो लगाने का तरीका भी दिखाता हूँ। और इसमें भी आप देखोगे इसमें भी लाइन आ चुकी है, ओके? तब तक अभी आप उस वाला कौन निकालते हैं, बस आप उसको साफ कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ फटका मारेंगे। ये देख रहा वाइसर है ये साइड में थोड़ा, दिख रहा है इसको थोड़ा सा फटका मारेंगे कि थोड़ा बाहर आए, देखा था हल्का हल्का मारेंगे ये साइड मारे थोड़ा, वो साइड मारेंगे। दोनों बाजू मारना, एक साइड का मारोगे ना तो क्या होगा वो क्रॉस हो जाएगा और फिर क्या होगा अंदर थोड़ा खराब भी हो सकता है, क्योंकि जर्मन का होता है ना
अब यहाँ से थोड़ा निकाल लिया, थोड़ा फिर लगा देंगे अपन। ये निकल गया, दिख रहा आपको ये अभी? इसको अपन ने दोस्तों पोंछ के साफ कर लिए कि हाथ में ग्रीस ना लगे। और ये बजाज का सेट मंगाए हैं, इसमें खाली नीचे के दो कोन आएंगे और इसकी MRP है 474 रुपये, और ये 460 में मिला है। अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। और इसमें ग्रीस भी आता है, वाइसर भी आता है, जो बाकी के कोन सेट में सब चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे कि इसमें गोली आई है एक चीज़, इसमें एक ग्रीस भी आता है, ये देखिए छोटा ग्रीस, और इसमें दो कोन सेट आता है, ये देखिए दिख रहा है दो कोन सेट। इसके साथ में एक वाइसर भी आता है, ये दिख रहा है कि बाकी कोन सेट में वाइसर नहीं आता है। ओके, अब ये वाइसर नहीं लगाएंगे, इसमें चूना ही लगाएंगे, क्योंकि चूना कंपनी का है और ख़राब नहीं है, कंपनी की चीज़ ज़्यादा बेटर होती है, तो वो डालेंगे और इसको छोड़ देंगे साइड में, किसी और अपनी गाड़ी में काम आ जाएगा। और तब तक अपन इसको ठोकते हैं। इसको निकालना कितना मुश्किल था और लगाना कितना मुश्किल है, और इसको जब अपन लगाएंगे ना तो बहुत ध्यान से लगाना, अगर ये थोड़ा भी क्रॉस लग गया तो क्या होगा मालूम, स्ट्रिंग जाम रहेगी और कभी कभी खुद दिमाग कटर कटर की आवाज़ भी आती, तो इसलिए इसको ना परफेक्ट बिठाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना, ये लगाना काफ़ी ध्यान से। इसमें खड्डा दिख रहा है ना, और ये कितना स्मूथ है, इस चीज़ का ध्यान देना, यही पहचान है। ये इसमें खड्डे दिखाई दे रहे हैं और ये फ्रेश है, तो ये ख़राब है। अब सिंपल इसमें क्या, ये वाटी लगाना है इस तरह से, इसके बाद में ये वाइसर लगाना है, अब क्या है ये तरह से कुछ। अब सिंपल से अपन ठोकेंगे, और ये कप है ना जो आपकी गाड़ी के कप, ये कप से ठोक के बिठाएंगे। और कप है ना प्रॉपर इसमें रहना, साइड में कप जाना चाहिए नहीं, परफेक्ट यहीं पे कप रहना चाहिए, अगर यहाँ साइड में है तो ख़राब हो जाएगा, बीच में जाके ठोकना है। और ध्यान देना ये वाटी हिलनी नहीं चाहिए, ये देख रहे हो इसकी पहचान, ये भी ये वाटी हिलनी नहीं चाहिए, और सेंटर चेक कर लेना परफेक्ट बैठा कि नहीं बैठा, अभी सही से बैठ चुका है। वाटी डालना है, रबड़ ऊपर रहेगा, आराम आराम हाँ, उसके बाद में ये कोन डालना है, सिंपल सा पूछ लेना है, गंदा हो गया, ये डालना है जरा हथौड़ी, हथौड़ी 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 बहुत छोटी हथौड़ी पीनी से, उसके बाद में इसको कहीं ठोकना है, बहुत ईजी है ये, थोड़ा थोड़ा चारों बाजू ठोकना है तो बैठ जाएगा, एक ही जगह ठोकने से बैठने वाला है नहीं है। वाला भी रबड़ हिल रहा नहीं है, सही से बैठ चुका है, देखिए आपको, ये देखो ये, और मार ठोकना है ना इसके ऊपर ठोकना है, यहाँ ठोकना नहीं, कभी गलती से भी ध्यान देना चीज में, ये तो भर आ जाएगा। अब ये गोली लगाएंगे सिंपल सा, और कुछ गोली तो उसमें अलग हो चुकी है, दो गोली पहले ही उसमें गोली बिठा लेना है, ये देखिए इसको पकुन डाल देंगे, उस तरह डाल देंगे, हाँ। और सिंपल यहाँ ग्रीस लगा, खाली अप्लाई कर देना इसके ऊपर, कोन के ऊपर, तो नीचे लग गया, ये ऊपर लगा दिए, अच्छे से लगा देना, दोबारा किसी में पड़ने वाली तो है नहीं, तो इतनी काफ़ी ग्रीस काफ़ी दिन के लिए। ये जूनी वाली गोली है जो काफी अच्छी है, क्योंकि पूरा डाल दे तो 800 पड़ता है, पर ये अच्छा था इसलिए खाली नीचे का डाले, जो 460 में आ गया।
अपन चालू लेते तो पूरा सेट ही आता, पर चालू से अच्छा बयाज पड़ता अपने को। ये लगा दे कुछ तरह से, और एक बार ये भी अपन उठा से डाल देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे कुछ ऐसा, इसकी जरूरत तो ही नहीं है बट डाल देंगे। देखो कुछ इस तरह से लगा देंगे इसको, अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें ओके, या इसको बाद में डालें, चाहे इसको ऐसे निकाल के बाद में डालें या पहले लगा दें, ये अपने पे डिपेंड करता है ओके। उसको मैं निकाल लेता हूँ, जैसा आपको बेटर लगेगा वैसे लगा लो। ये अपनी मर्जी कैसा भी लगाओ। कभी ना लेफ्ट में क्रॉस करके ऊपर डालना है, अपन इसके अंदर डाल देंगे ये वाला। ये देखिए इस तरह अंदर चले गया। उसके बाद में देखो BS6 OB2 में ना वाइसर दिया जो मैंने बताया, इसको ध्यान देना, इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये आपको दिख रही है दो स्लोप है, ये ऊपर रहेगी और ये वाली भी दो स्लोप है, तो ये नीचे कर देना। ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे करने पर क्या होगा ना, बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप दिख रहा है, गैप ये दिख रहा है, बीच में गैप आ रहा है ये, इससे क्या होगा ये प्रेशर टाइट होगा ना तो सिग्नल जल्दी लूज़ नहीं होगा। उसको ऐसा घुमा देंगे ना तो लूज हो सकता है ओके, जो गैप पूरा ख़त्म हो गया। और ये इस तरह करने पे दोस्तों इसमें गैप आ गया है, ये देखा आपको गैप, तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान देना ओके। अपन को सिंपल में कुछ इस तरह डाल देंगे, अब डालने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें चकनेट लगा देंगे। अपने पास पुल्लर है, ये लगाए और घुमाना चालू अपना काम। ये देखा आपको कितना ईजी, तो इस तरह दोस्तों अभी पुलर बना लेना। अभी वीडियो के एंडिंग में ना इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा, पुलर मैंने कैसे लिया, कैसे बनाया और आप कैसे ले सकते हो पुलर। ये पुलर जब भी आप लेने जाओगे ना तो उस टाइम ना एक ऐसा चेकनेट ले लेना ऐसा, और ये पहले चेक कर लेना, अगर ऐसा परफेक्ट बैठेगा तो लेना, और अगर ये हाइट छोटी रहेगी तो बड़ी कर लेना। अगर बड़ी हाइट का मिल गया तो कोई टेंशन ही आपको नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला था ये, मेरे ख्याल से बाइक का पुल्ला रही है। इसको जब टाइट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा लूज ही रखना अपने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे ना अपन तो क्या होगा फिर। वो भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हाँ इसको बहुत टाइट नहीं करना, हिसाब से ही करना। ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो क्या स्ट्रेन टाइट हो जाएगी, और थोड़ा लूज रखेंगे ना दो दिन चलेगा, उसके बाद हल्का फुल्का लूज भी हो तो उस टाइम हम टाइट कर देना, और ज़्यादा भी टाइट करेंगे तो क्या होगा स्ट्रेन जाम हो जाएगी, इसे ज़्यादा फुल टाइट नहीं करना। ठीक है आपको बस इतना छोड़ देना है, और जो मैंने आपको दिखा था इसमें गैप था अब वो दब जाएगा, अब वो दबेगा इसको प्रेशर लगाए ऊपर, ये चेकना जल्दी दोस्तों लूज नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों उसमें चार वाइसर दिया हुआ है। फिर सिंपल एक लॉक वाइसर लगाएंगे, ये देखिए इसमें लॉक है, तो आगे खांचे में इसको अटका देंगे अपन, ये ध्यान देना लॉक, ये लॉक कैसा भी डालो चलेगा, उल्टा सीधा कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद में सिंपल उसको टाइट कर देंगे इसके अंदर, ये वाला भी फुल टाइट कर देंगे, ये भी फुल टाइट हो गया। अब सिंपल करना क्या है, ये लगाना अपने को, इसको इसको लगाना। इसमें कितनी अच्छी चीज़ लगी, इसमें देखो चार दिए, सॉरी तीन दिया हुआ है, एक दो तीन, बाकी गाड़ी में आता कि इस दोस्तों बोल्ट खाली कितने दो बोल्ट है, पर इसमें एक दो और तीन बोल्ट दिया हुआ है, और पट्टी भी काफ़ी अलग दी है। अब ये सिंपल अपने को ना तीनों बोल्ट में फंसाना है पट्टी को, इस चीज़ का ध्यान देना है, बोल्ट को फंसाना पट्टी में, पट्टी में फंस गया। अब यहाँ से मुंडी को यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखा भाई, यहाँ पे दिख रहा है, इसको इसमें लाना है ओके, तो यहाँ पे आ गया, आना चाहिए इसके अंदर परफेक्ट। अब ये आ रहा दोस्तों, वो निकल रहा है, वो आ रहा था, ये निकल रहा है, थोड़ा मुश्किल है बट लगाना पड़ेगा इसको।
ये लग, आगे लग रहा पीछे नहीं लग रहा, पीछे लग रहा तो आगे नहीं लग रहा है, पर ये लगेगा, थोड़ा हिलाना पड़ेगा, ठोकना नहीं है इसको। हाँ क्या, ठोकने से टूट जाएगा क्योंकि जर्मन का रहता ही है ऐसा। हाथ से तुम ठोक सकते हो धीरे धीरे, हथौड़ी नहीं मारना इसके ऊपर। अब ये नीचे बैठ गए, ओके ये देखिए परफेक्ट बैठ गया है, दिख रहा आपको। अभी अपन क्या करेंगे, सिंपल इसमें बोर्ड लगाएंगे, और ये बोर्ड तो फिलहाल ये साइड से कंपनी देती है, मतलब राइट साइड अंदर डालना पड़ता है, पर अपन लेफ्ट से भी डाल सकते, कोई टेंशन नहीं, बस खाली एक चीज़ ध्यान देना, पहले प्लेन वाइसर फिर स्प्रिंग वाइसर। ये इसको हमने डाल दिया, कोई यहाँ से देखिए मिला के स्टेरिंग पहले क्रॉस करना पड़ेगा अपने, स्टेरिंग की मुंडी यही साइड है तभी जाएगा, दिखा आपको। यहाँ से तो सीधा जाने वाला नहीं है, देखो नहीं जाएगा कितना, और सिंपल जो मैं खींचूंगा ना जब यहाँ पे ये, तो अपने प्यार से देखो मैच हुआ, होल चले गया, होल मैच हो गया। अब यहाँ करूँगा स्टेरिंग भी दोस्तों इससे घूमेगी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे वाइसर, ये सब ये लग गया स्प्रिंग वाइसर, और ये लगाएंगे वो नट, देखो नट भी लग गया, कितना ईजी है ठीक है आपको, ये भी लग गया, इसको छोड़ देंगे आपको ना, ये लग चुका अभी, और लग अपने को क्या लगाना है, नट लगाना है, ये वाला नट जो अपन ने खोले थे, तीनों नट लगाना है। यहाँ से एक नट लगा दिया मैंने दोस्तों, और बॉक्स में थोड़ा लंबा ही लाना, वैसे छोटा बॉक्स में ही चलेगा क्योंकि यहाँ जगह तो बिल्कुल नहीं अंदर है। हाँ नहीं, तीरा का बॉक्स पाना, अभी शर्मा के भाग जाएंगे भाई, ये गाड़ी वाले भाई शर्मा तो भाई देख सकते हैं इनकी गाड़ी है, ये गाड़ी वाले भाई हैं, और इनका जो स्टेयरिंग था वो एकदम जाम हो चुका था, तो इतना जाम हो चुका था, अगर आप भी इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी अब भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये भाई साहब है ना, तो इनकी बाल देख के आप कहीं भी पहचान सकते हो। और ये पीतल का वाइसर ना रहना काफ़ी ज़रूरी है, ये इसका निकला नहीं, वैसे हर बार अलग हो जाता है, उसको छुटाएंगे भी नहीं, ऐसे लगे रहने देंगे। और एक वाइसर यहाँ पे रहेगा जो उसमें नट में लगा हुआ है, ये वाइसर अलग भी होता है क्या, देखो इस तरह से वो चिपक गया, इसे उसको निकालेंगे, ऐसे लगे रहने देंगे। अरे पाइप को निकाल लेना है, खाली पोंछ लेना है बस, बहुत ईजी है भाई, कोई भी कर सकता है। बॉक्स में रिंग बार टाइट करना पड़ेगा, कहाँ गया बॉक्स में जाम हो गया, इसको फंसा दो उसके अंदर, ये हाथ में बहुत ताकत है मेरे यार, हाथ से लग गया उसको, इसको फुल टाइट करना है, पर हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना क्योंकि स्लिप हो जाता है, इसलिए अपने हिसाब के ताकत से, अपने हिसाब से जड़ में से टाइट करना, ओके अपने जड़ में टाइट कर देना फुल, बस अभी टाइट हो गया, अब इसको सिंपल नीचे लेंगे अपनी गाड़ी का, भाई गाड़ी को नीचे कर दो, उठा दूंगा नीचे। खाली बने के भाव बने, इसको ना एक बार लात मार के चेक कर लेना, लूज तो नहीं है सर, चेक कर लेना था, लूज तो नहीं है, अगर देख भी लेना फ्री तो है, अब ये अच्छी खासी फ्री है, अभी अपन ऊपर फुल टाइट करेंगे। अब ये तीन नट है ना, इसको नीचे आने के बाद में ना फुल टाइट करना अपने को, ये दिख रहा है एकदम फुल टाइट कर देना है, फुल मतलब अपने हिसाब से टाइट करना फुल, यानी ना ताकत लगा देना नट को, जो टाइट करते हैं ना वो को देखने के बाद उसकी कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से दोस्तों नट को टाइट किया जाता है। छोटे नट पर कम प्रेशर लगाते हैं, बड़े नट पर तो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देके नट टाइट करना। अब स्टेयरिंग टाइट करने के लिए ना सबसे पहले अपनी स्टेयरिंग सीधी करनी पड़ेगी, चार को देखना पड़ेगा कि एकदम बॉडी के एकदम भले लाइन नंबर पर सीधा रहे, मतलब क्या चेसी देख लो, डेरा देख लो, और टायर खड़े संभालो कि एकदम सीधा टायर है बस, अभी अपने को लगता है टायर सीधा हो चुका है, ओके। अब इसको नीचे सीधा अपन ने कर लिए, अब ऊपर सीधा कैसे करें, ये देख रहा आपको हिल रहा है, देख रहा है ये लूज है। अब सिंपल क्या ना सर, उंगली ना जो उंगली, ये नापने के लिए नहीं होती, ये एक जजमेंट पे लाने के लिए होती है, पहले हमको क्या लगता था भाई ये ऐसा नाप है, ये ऐसा नाप है, हाँ लेबल आ गया, लेकिन ये जो करते हैं ना ये उसको सेंटर में ऐसा करें कम ज़्यादा होता है, यहाँ करे ज़्यादा यहाँ कम करे, तो ये जो करते हैं ना सिर्फ सेंटर में लाने के लिए करते, इसको नापते नहीं है, पहली चीज़ ये हो गई है, सिर्फ सेंटर में लाने के लिए उंगली यूज़ करते, इसको नापा नहीं जाता है। अब ये परफेक्ट लग रही है, अब इसको फुल दोस्तों मैं टाइट कर दूंगा, और इसको सिंपल हम टाइट कर लेंगे, ये दिख रहा आपको टाइट हो रहा है, ये
ये फुल टाइट हो गया लगभग अपने हिसाब से, इसको दोस्तों फुल टाइट करना अपने को। भाई कवर लो कवर। अब दोस्तों अपना काम जो है ना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये कवर है, इसको लगाना बहुत आसान तरीका है, सिंपल इस पे से रखना ही अपने को है, होल मैच करना है। यहाँ मार दिए, एक मुक्का यहाँ मार दिए, बस लग गया। और इसको ये नीचे खाली दो ऐसा फंसाना होल में ये, और ये ठोक दिए, बस हो गया खत्म। ज्यादा जोर से नहीं ठोकना ना। नहीं ठोको, तुम्हारी मर्जी, अपने हिसाब से ठोको, प्लास्टिक टूटेगा नहीं। दोस्तों जो कूलर दिख रहा ना मेरे हाथ में आपको, ये कूलर के लिए दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करा। एक बंदे के पास दोस्तों ये कूलर में देखा था, उसको दोस्तों वो कूलर कंपनी से फ्री में मिला था, वो लोग ट्रेनिंग में गए थे। तो सेम कूलर दोस्तों मैं बहुत जगह ढूंढा ना, मुझे कूलर कहीं मिला नहीं। तो फाइनली दोस्तों मैंने एक जगह पता करा, उसने बोला मैं आपको कूलर ला के दूंगा और कुछ आपसे कुछ 1200-1300 रुपये लूंगा। मैं ठीक है, उस बंदे ने कूलर लाया, पर दोस्तों कूलर जो था वो छोटा था। आपको ये पीस दिख रही, एक ये पीस और एक ये पीस, ये दोस्तों यहाँ पे अटैच कुछ इतना बड़ा था। पर अपने जो रिक्शे का जो फॉक था दोस्तों लंबा होता है, देख लो इतना कम से कम लंबा होता है, कम से कम मान लो इतना लंबा रहता है, और ये छोटा पड़ रहा था। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या करा, ये कूलर लिया दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने मेरे हाथ से कट किया। और ये दोस्तों पाइप दिख रही है, ये मैंने भंगार से दोस्तों 50 में मैंने पाइप खरीद के लाया। इस पाइप को दोस्तों मैंने कट किया और दोस्तों उसको अपने हाथ से दोस्तों मैंने इसको वेल्डिंग करा। अब दोस्तों कोई भी गाड़ी का मैं इसको इजीली खोल सकता हूँ। अगर आपको भी ऐसा कूलर चाहिए रहेगा ना दोस्तों, अगर नहीं मिल रहा है तो आप चेकनेट लेके रिक्शे का चेक करके कहीं भी जाके पता करिए। अगर नहीं मिलेगा, छोटा मिला, तो बाइक का भी दोस्तों कूलर आता है सेम साइज का रहता है, आप वो लेके कट करके सेम इस तरह दोस्तों बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके फ्रेंड, तो गाइस अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है और आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियो चाहते हो कि और मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय दोस्तों।